नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने किया चौकी प्रभारी का स्वागत, चोरों ने कीमती सामान पर किया हाथ साफ, डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर बने कांग्रेस के उम्मीदवार, हत्याकांड आरोपी को भेजा गया जेल। ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग में टेकनपुर चौकी प्रभारी का चार्ज संभालते ही टेकनपुर के ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। साथ ही इससे पहले आनंद कुमार टेकनपुर पुलिस चौकी में वर्ष 2019 में लगभग एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अपने बेहतरीन कार्य प्रणाली के चलते आनंद कुमार टेकनपुर की जनता में काफी लोकप्रिय पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिनके द्वारा आने पर टेकनपुर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही टेकनपुर पुलिस चौकी के चार्ज संभालने वाले पुलिस अधिकारी आनंद कुमार का कहना है कि उनका सतत प्रयास रहेगा कि टेकनपुर में क्राइम रेट को जीरो किया जाए। सर जी का कार्यकाल पहले भी रहा है टेकनपुर चौकी पे, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है इनके समय पे। इनके द्वारा आने से हमको बहुत हर्ष की विषय है कि हमको हमारा टेकनपुर में बहुत शांति और अमन चैन कायम रहेगा। और साहब के आने से जनता पहले भी खुश थी, द्वारा आने से बहुत अति उत्साह में खुश है। वैसे टेकनपुर शांत क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा कोई गंभीर अपराध तो नहीं है। कोई छोटे पूरे झगड़े वगड़े कुछ बड़ी समस्याएं जनहित की हैं, तो रहेगा। इससे पहले हमारा लगभग 8 माह का कार्यकाल टेकनपुर में से पूर्व में रह चुका हूँ। जनता के बीच में जनता के साथ मेल जोल कर, जनता के साथ व्यवहारिकता दिखाते हुए, जनता में कोई खौफ ना हो, अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ बना रहे और हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र में कोई अपराध घटित ना हो, इसके लिए हम लगातार जनता से संपर्क में रहे, लगातार भ्रमण करते रहे और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई करते रहेंगे, जिससे कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो, हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित हो। आगामी समय चूँकि इलेक्शन का समय है, उसमें भी हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, तो हम जनता से भी अपील करते हैं चुनाव भी निष्पक्ष हों और हम जनता के साथ मेल जोल करके एक अच्छी कार्रवाई को अंजाम दे सकें, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और किसी प्रकार का अपराध घटित न हो। अपराध पे पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु समय समय पर कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। ग्वालियर सोमपाल कौरव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना संभावली थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि एक ही रात में 3 घरों में अपना हाथ साफ किया है। साथ ही कुछ लाखों रुपए की नकदी और सोने के जेवरत भी अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। साथ ही इस दौरान एक किसान के घर में कुछ लोग जाग रहे थे, जिसके बाद बदमाशों और ग्रामीणों से काफी देर तक नोकझोंक भी हुई, लेकिन मौका देख फरार हो गए बदमाश। जो है सामान ले सबको, सब ये तुम्हारे सेब पिपालों के तोड़े हैं, सब लोग के तोड़े हैं। अच्छे और जो है सोने चीज ले गए, पैसा चेयर होता हो गई। कितनी नकदी थी? 1,07,000 हो गई। अच्छा, तो सर सोन चांदी के जेवरात भी थे? जेवरात थे, मोती गले दो सहरा चैनी पहेली। कितने बदमाश थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु, यहाँ एक माधापुर गांव है, उसमें करीब कई महीने पहले भी आज भी पशु चोरी ज़्यादा हो रही है। करीब 20-22 पशु चोर की घटना हो चुकी है। रात भी वहाँ बदमाशों ने किसानों के मकान पर धावा बोल दिया। एक हमारे जिला महासचिव है रामाश्रे, उनके मकान पर धावा बोल दिया। जब जाग हुई तो उन्होंने ललकारा तो बदमाशों ने उन पर ईंट बरसा दी। उसके बाद वो गाँव में दूसरी जगह एक शर्मा जी के मकान में, एक दूसरे मकान में उमेश त्यागी जी के मकान में पूरा खल खंगाल दिया। चीज वस्त्र किसान और बताया है 1.5 लाख की करेंसी पैसे भी ले गए हैं। वो सोना वोना कपड़े वपड़े सब ले गए। फायर भी उन्होंने हमला करा है। किसानों के पास तो कोई हथियार होता नहीं है, किसान तो रोली मचा सकता है। क्या कार्रवाई करी पुलिस? हमने तो यहाँ एसओ महोदय से तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान भानु आगे धरना देने के लिए मजबूर होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, थाना अध्यक्ष महोदय की होगी। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी ने बदनावर विधानसभा उपचुनाव में स्थानीय उम्मीदवार डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर टिंकू को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। आपको बता दें, 48 साल के डॉक्टर सिंह पेशे से दंत चिकित्सक है और पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। लोकायुक्त टीम भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का भंडाफोड़ करने में लगी हुई है, जिसके तहत में लोकायुक्त ने रामपुर नगर में पूर्व अध्यक्ष गोविंद सोनी, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी लीला कृष्ण सोलंकी और तत्कालीन उप मंत्री ओपी परमार के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। साथ ही लोकायुक्त ने पेयजल संवर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच में ही 3 लोगों को दोषी पाया है। आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में इन लोगों ने जो भारी भ्रष्टाचार किया, चाहे वो जो भी अध्यक्ष रहे हो, इनके 5 साल में दो दो तीन तीन अध्यक्ष रहे भाजपा के, इन लोगों ने जो है भारी बड़ी भारी लूट करी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके इनके बड़े से बड़े विधायक तक सब भ्रष्ट हैं। और लोकायुक्त की जांच का जहाँ तक सवाल है, अभी तो रामपुरा नगरपालिका की एक अध्यक्ष के विरुद्ध जाँच हुई है, इनके पुराने 2 अध्यक्षों की और जाँच करेंगे तो ये इसमें जो है करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला निकलेगा। इनकी स्थिति ये थी, जिनके पास कल तक जो है साइकिलें नहीं थी, वो आज करोड़ों के मालिक बन के बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने जो लूट करी है, मुझे बहुत उम्मीद है लोकायुक्त से कि लोकायुक्त जो है बहुत साफ सुथरी जांच करेगा। और अगर स्पष्ट जाँच होती है तो ये सारे लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और इसमें जो शिकायत करता है, वो शिकायत करता जो है यशवंत करेल जी, वो खुद भी, उनके खुद के शासन में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तो लोकायुक्त से यह भी कहूँगा कि भाई उनकी भी जांच कर ले, उनके भी सारे मामले सामने आ जाएंगे। उनने भी अपने भाई को, जब उनकी घरवाली अध्यक्ष थी तो उनने अपने भाई को ठेके दे दिए, भाई भतीजा बात करा और बंदर बांट करके नगर पालिका की, या ये कहें कि शासन की करोड़ों की जो है पूंजी को जो है चूना लगाया इन लोगों ने। और ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार करने में तो ये माहिर हैं। अगर एक लोकायुक्त में अगर इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सारी अगर जांच होगी तो ये सब लोग आएंगे, सारे पूरे जिले के, क्या मैं कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के लोग आएंगे इस जाँच में। अगर जाँच अगर सही तरीके से हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सबके भ्रष्टाचार पकड़ में आएंगे। रामपुरा से फिरोज गोरी की रिपोर्ट। मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार हत्याकांड के आरोपी को नरसिंहपुर जेल भेजा गया। आपको बता दें, बीते दिनों बांसवाड़ा के एक व्यापारी पर जेल में से गोली चलाई थी, साथ ही जेल स्तर में भी मनीष बैरागी पर कार्रवाई की गई थी। मिलने जुलने और बातचीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मंदसौर से राजेश मालविया की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।